किटकैट मिल्क शेक बनाने के लिए मैंने लिया है किटकैट का बड़ा एक पैकेट, उसके साथ साथ 200 ml मिल्क और 1 tablespoon चॉकलेट आइसक्रीम। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ले लिया है एक मिक्सर ग्राइंडर जार और उसके अंदर ऐड कर रही हूँ मिल्क, ऐड कर देंगे चॉकलेट आइसक्रीम। ये मेरा होममेड चॉकलेट आइसक्रीम है, इसका रेसिपी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप लोग चाहो तो चेक कर सकते हो। आइसक्रीम एंड मिल्क हमारा ऐड हो गया है, तो अभी ऐड कर देंगे किटकैट, पूरा का पूरा एक पैकेट ही ऐड कर दीजिए। ऐसे ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही इजी तरीके से, इसको जरूर एक बार घर में ट्राई करना। अभी ढक्कन लगा दिया है, इसको ब्लेंड कर लेते हैं। देख लीजिए ये हमारा रेडी हो गया है। ऐसे तो मैंने ले लिया है एक ग्लास जार और अभी चॉकलेट सिरप से थोड़ा सा डेकोरेटिंग कर देंगे। ऐसे ये टोटली ऑप्शनल है, इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे, इससे दिखने में और खाने में मज़ा आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया। देख लीजिए ऐसे, और अभी पोर कर देंगे किटकैट मिल्क शेक। ऐसे पोर कर दीजिए, ऊपर से थोड़ा सा क्रीम से डेकोरेट कर देंगे। ऐसे बस डेकोरेशन के लिए ऊपर से ऐड कर देंगे किटकैट के ऐसे स्लाइसेस। ऐसे और थोड़ा सा चोको चिप्स। ऐसे ये टोटली ऑप्शनल है, बस डेकोरेशन के लिए मैंने ऐड कर दिया। देख लीजिए बन गया है मेरा किटकैट मिल्क शेक। कैसा लगा मेरा ये रेसिपी? अगर अच्छा लगे ना तो मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इतने अच्छे अच्छे रेसिपीज के नोटिफिकेशन के लिए नीचे बेल बटन को भी दबा देना। आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।